गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गुप्ता आपकी संस्कृत क्लास के लिए। संस्कृत क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम आप पढ़ेंगे जय सुर भारती। जय सुर भारती जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसके जो रचयिता हैं, हम जब कभी भी है ना संस्कृत की क्लास स्टार्ट करते हैं या नया सेशन जो भी स्टार्ट होता है, उसमें पढ़ने से पहले हम लोग है ना भगवान भगवती को हमेशा वंदना करते हैं, ईश्वर को हमेशा वंदना करते हैं। यहाँ पर भी हम ईश्वर की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि जब ईश्वर की वंदना करके कोई भी नया कार्य स्टार्ट किया जाता है तो वह कार्य हमारा सिद्ध जरूर होता है। तो यहाँ पर माँ भगवती की हम वंदना कर रहे हैं। इस चैप्टर के जो रचयिता हैं, इस अध्याय के जो रचयिता हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। वाणी वंदना गीत इयम, वाणी वंदना गीत इयम, वाणी की जो देवी है उसका गीत है ये। सरला सरसा छे सरस्वती वंदना गीत इयम, सरला सरल है, सरस है, अच्छा है, रुचिपूर्ण है, और सरस्वती वंदना, सरस्वती की वंदना की गई है। गीत रीव कवि पुमंग डॉक्टर हरि रामाचार्य ने विरचिता वर्तते। यह जो गीत है, यह कवियों के जो कवियों में श्रेष्ठ कवि है, कवियों में जो श्रेष्ठ कवि हैं डॉक्टर हरि रामाचार्य द्वारा लिखा गया है। 1866 तमें ईस्वी वर्षे रचयिता वसंत बहार रागेण उपविद्यते। इसका जो राग है वह कौन सा? बसंत बहार राग, इसका राग है मधु छंदा इतिख्यान ग्रंथे संकलिते। एक मधु छंदा जो एक ग्रंथ है उसके अंदर ये लिखा गया है। इनका एक ग्रंथ है डॉक्टर हरिराम आचार्य का एक ग्रंथ है मधु छंदा, इसके अंदर इसे लिखा गया है। अतः इतिख्यान ग्रंथे, इस ग्रंथ के अंदर संकलित लोके बहुशा बहुश्रुता इयम गीति वस्तुतः कवे आदा गीति रचयिता आसीत। इतिख्यान ग्रंथे, इस ग्रंथ में संकलित किया गया है, यानी कि इस ग्रंथ के अंदर मधु छंदा ग्रंथ में लिखा गया है। लोके बहुश्रुता इयम गीति वस्तुतः कवे आदा गीति रचना आसीत। इस गीत की रचना इसमें किया गया है कि गीतों का संग्रह है मधु छंदा, उसके अंदर इसे लिखा गया, बहुत प्रकाशित है। और जो ये रचना है ना मधु छंद कंदा, इसकी रचनाएं बहुत सारी प्रकाशित भी हो गई है। आकाशवाणी दूरदर्शना भयाम है, आकाशवाणी दूरदर्शन के ऊपर इसकी रचना प्रकाशित हुई है। चीरा प्रकाशित, बहुत लंबे समय तक यह प्रकाशित होता रहा। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और हमारा जो ये साल है वो अच्छे से निकले, इसकी प्रार्थना करती हूँ। जय जय हे सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, त्व चरणों प्रणाम हे सरस्वती। हे जय जय, जय जय सुर भारती, हे सरस्वती माता, हे सुरों की देवी, मैं तुम्हें वंदना करता हूँ। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे भगवती, हे सरस्वती, हे सुरों की देवी, हे ब्रह्मामयी नाथ ब्रह्मामयी, मैं तुम्हें, हे वागीश्वरी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। त्व चरणों प्रणाम, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। नाथ ब्रह्मामयी जय वागीश्वरी, नाथ ब्रह्मामयी जो आवाज़ की देवी है, ब्रह्मामयी ब्रह्मा के समान जय वागीश्वरी, हे वागीश्वरी वाणी की देवी, हे वागीश्वरी यानी वाणी की देवी, तुम्हारे नमन करता हूँ। चरणम ते कश्याम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारे चरणों में आया हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुमसी शरणे त्रिभुवन धन्या, तुमसी शरणया यानी कि तुम्हारे शरण में आने से क्या हो जाता है, तीनों लोग जो हैं वो धन्य हो जाते हैं। तुमसी शरणया, तुम्हारे शरण में आने पर त्रिभुवन धन्या, तीनों जो लोग हैं वह धन्य हो गए हैं। सुर मुनि वंदित चरणा, सूर्य यानी देवता, मुनि वंदित चरणा, तुम्हारे
जो चरण है उनकी वंदना करते हैं। नवरस मथुरा कविता मुखरा, नवरस जो नौ रस हैं हमारी सृष्टि के अंदर, नौ रस बताए हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, जो ये होते हैं, ये नवरस मथुरा, इन नौ रसों में जो मधुरता उत्पन्न होती है वह कविता मुखरा, वह आपकी आपकी कविताओं से ही उत्पन्न होती है। जब आपकी कविताओं की वाणी में उखड़ता है तभी होते स्मित रुचि रुचिरा भरना, स्मित रुचि रुचिरा भरना, और आपके स्मित यानी आपकी जो मंद मंद जो मुस्कान है, स्मित यानी मंद मंद आपकी जो ये मंद मंद मुस्कान है वह हमें बहुत ही रोचक लगती है। रुचिरा मतलब रुचि उत्पन्न करती है। जय जय हे भगवती सुरभारती, त्वचरणम प्रणाम, तुम्हारे चरणों को मैं नमन करता हूँ। जय जय हे भगवती सुरभारती, हे भगवती, हे सुरों की देवी, हे ब्रह्मा मय, हे सुरों की देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आसीना भव मानस हंसे, मैं आसीना भव मानस हंसे, आप हे सुरों की देवी, हे वागीश्वरी, हे सरस्वती माता, आसीन आसीन यानी विराजमान यानी बैठो भव मानस हंस, आप हमारे मन रूपी जो मानस हंस है, मन रूपी जो मेरा हृदय हो उस पर विराजमान हो, या फिर मानस रूपी हंस जो कि इस मानस हंस के रूप में आप विराजमान हो। मानसरोवर में जो हंस होते हैं ना उनके ऊपर वैसे सफ़ेद रंग के वैसे आप विराजमान हो। कुंद तुहिर शशि धवले, कुंद होती है, कुंद का एक पुष्प होता है जो श्वेत रंग का होता है। तुहिन यानी बर्फ, तुहिन यानी क्या होती है बर्फ, और शशि यानी चंद्रमा धवले, जिस प्रकार कुंद रूपी पुष्प बर्फ या चंद्रमा श्वेत रंग के हैं, हर जड़ता कुरु कोति विकासम, आप उसी प्रकार हमारे जो मूर्खता है, जड़ता यानी मूर्खता, मूर्खता रूपी जो बुद्धि है उसको कुरु बोधि विकासम, आप हमारी उस मूर्खता रूपी बुद्धि को हरो यानी हर लो और हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज नव विमिले, सित पंकज नव विमिले, सित यानी श्वेत, पंकज यानी हमारा जो कमल का फूल होता है वह नव विमिले, तो आपका जो शरीर है वह श्वेत पंकज के समान शोभायमान होता है। जय जय हे सुर भारती त्वचरणम प्रणाम, हे सुरों की देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इसके आगे का मैं इसमें नहीं आया है, मैं बता देती हूँ। ललित कला में ज्ञान विभा में, ललित कला में ज्ञान विभा में, वीणा पुस्तक धारणी, सभी कलाओं को शोभित करने वाली, जिसके पास सारी कलाएं हैं वो ज्ञान विभा में ज्ञान का विकास करने वाली वीणा पुस्तक धारणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली है। मतिरा स्तनो त्वा पद कमले, मतिरा स्तनो, मतिरा यानी हमारी बुद्धि का विकास करने वाली, त्वा पद कमले तुम्हारे कमल में आने पर, तुम्हारे चरणों पर आ जाने पर, तुम्हारे चरण में आने पर हमारे बुद्धि का विकास हो जाता है। अई कुंठा विसारिणी, और हमारे कुंठा जो हमारे मन रूपी कुंठा मतलब हमारे मन में जो कुंठा भरी हुई है उस कुंठा को तुम हर कर लो यानी हरण कर लो और हमें अच्छा सा ज्ञान प्रदान करो। हे भगवती, हे सुरदेवी, हे सुरों की देवी, हमें ज्ञान प्रदान करो। जय जय हे भगवती सुरभारती, हमें तुम ज्ञान प्रदान करो। यहाँ पर एक अंतरा आपकी इस जो ये आपकी फ़ोटो आ रहा है इसके अंदर एक अंतरा नहीं आ रहा है, ये लास्ट वाला अंतरा आपकी किताब में से मैंने पढ़ा था और इसका हिंदी अनुवाद आपको बताया था। धन्यवाद, थैंक यू।